गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल 2.3 एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर की तरफ निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होगी। ये सब थ्योरी में समझाया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं, पी और क्यू, और इस वाले फिगर में दिए गए हैं बी फिगर में ए और बी, यानी इसको आप फिगर ए माने और इसको बी माने। अब क्वेश्चन देखिए, पहला सबसे क्या कहता है, कहता है पहला क्वेश्चन कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी पी एंड वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू का साइन हमको बताना है। तो देखें ज़रा कैसे पता करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, यानी प्लस से अवे होती है, और ये पॉइंट वी पी, यानी यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वी इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 q/r, यानी कि वी किसके प्रोपोर्शन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शन आर के, यानी कि आर अगर बढ़ता है तो वी घटता है। तो देखिए, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस हमारी कम है और इसकी ज़्यादा है, तो जब इसकी डिस्टेंस हमारी कम है तो पोटेंशियल इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई आर अगर आपकी कम है, देखिए ये आर यहाँ पे इस पॉइंट का आर कम है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, यानी वी पी हमारा जो है बड़ा होगा। और ये दूर है इस चार्ज से, तो जब दूर है तो इसका पोटेंशियल कम होगा, यानी वी पी बड़ा है वी क्यू से। अब बड़े में से कोई चीज़ छोटी घटती तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक, यहाँ समझ में आ गई। दूसरी बात, इस वाले फिगर की जो बात कर रहा है, इस वाले फिगर में पूछ रहा है कि बी वी ए और वी बी का में क्या डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होती है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कम है। डिस्टेंस जब कम है, और हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक खास बात मैं यहाँ स्टार बना करके आपको लिख देता हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत खास बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस। तो इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ परेशानी नहीं होगी। क्या मतलब कहने का, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा पोटेंशियल गिरता जाएगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल गिरता जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर वी पी या इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तभी वी पी माइनस वी क्यू जो है पॉजिटिव आया है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ होने का मतलब जैसे ऐसे जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। इसका मतलब वी ए का जो पोटेंशियल है वो वी बी के अपेक्षा कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। इसका मतलब वी बी का जो पोटेंशियल है ज़्यादा होगा, इसका मतलब वी बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वी ए से। तो जब फिर से वही बात आ गई, जब वी बी जब ज़्यादा है वी ए से, तो जब वी बी जो है बड़ा है तो वी ए से घटेगा, तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव। तो इस बात को ध्यान रखिए, मैंने स्टार बना दिया है इस पर, ये आपका एक पॉइंट है जिससे जो है आप पता कर सकते हैं। फिर आता है दूसरी बात कि साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पी क्यू एंड ए एंड बी, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस होता है, देखिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/, या ऐसे कर लें पोटेंशियल एनर्जी प्रकार का वर्क डन है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू वी।
आप उस फार्मूले से समझ सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q से W की वैल्यू क्या होती है, V इंटू Q। तो W एक प्रकार का वर्क होता है, वर्क ही एक प्रकार की एनर्जी होती है, तो फार्मूला क्या बनेगा, Q इंटू V। तो यहाँ हमने Q इंटू V लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q इंटू V होती है। लेकिन हमको अब देखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज हम P पॉइंट पर रखें और नेगेटिव चार्ज हम Q पॉइंट पर रखें तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में क्या साइन आएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए हम देख लेते हैं Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। तो Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यानी Q पॉइंट पर आपने कौन सा चार्ज रखा है, माइनस Q, और Q पॉइंट का पोटेंशियल वी क्यू हो ले लिया हमने। इसी तरह से वी क्यू की जो वैल्यू है वो हम बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। अब पी पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, तो पी पर देखिए माइनस नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और वहाँ का पोटेंशियल वी पी है। अब हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस कर दें, इन दोनों का डिफरेंस कर दें यानी कि दोनों की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो वी क्यू माइनस वी पी, तो वी क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू इंटू वी क्यू, और माइनस क्यू और माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस वी पी। तो प्लस वाला को पहले लिखा जाए, क्यू कॉमन भी ले लीजिए और प्लस वाले को पहले भी लिख दीजिए, वी पी माइनस वी क्यू। हमने क्यू कॉमन ले लिया है। अब देखिए वी पी माइनस वी क्यू को हम पहले ही लिख चुके हैं, पॉजिटिव था ये, आया था हमारे आंसर में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि Q तो पॉजिटिव है ही और ये पूरी वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, पॉजिटिव है। इसी तरह से दूसरे फिगर की बात करते हैं, दूसरे फिगर में, सेकंड वाले फिगर में इसी तरह जैसे ये निकाला है दूसरे फिगर में भी निकाल सकते हैं। तो अब बी फिगर में हम निकाल लें यू ए माइनस यू बी। अब देखिए यू ए यहाँ भी नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो ए पर नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस क्यू और पोटेंशियल वी ए माइनस फार्मूले का, और यू बी पर क्या होगा, माइनस क्यू और क्यू बी वी बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको पहले लिख लें प्लस वाले को, और क्यू कॉमन ले लें, एक साथ कई चीज़ें कर लें, क्यू कॉमन भी ले रहे हैं और प्लस वाले को पहले भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वी बी की वैल्यू वी ए से अधिक है, हम पहले ही बता चुके हैं वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की, सी पार्ट। देखिए सी पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन में, विद द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, यानी हमें वर्क डन पता करना है। तो पॉजिटिव चार्ज उसने क्वेश्चन कहा है सी पर कि वर्क डन बताइए जब एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी लाते हैं, क्यू से पी की तरफ ले जाते हैं, यानी फिगर देखिए क्यू से पी की तरफ अगर हम आ रहे हैं और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। तो देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर तो ये इसको चार्ज रिपेल करेगा, यानी कि प्लस प्लस को रिपेल करता है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, और हम आ रहे हैं उल्टा। तो आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू F इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स देखिए जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा तो फोर्स अपोजिट लगेगा, और डिस्टेंस आप कुछ भी ट्रेवल करें FD कॉस कितना हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में तो हम मूव कर नहीं रहे हैं, फोर्स लग रहा है इस तरफ, मूवमेंट हम कर रहे हैं इस तरफ, क्यू से पी चल रहे हैं, तो यानी ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ साइन देखना चाह रहे हैं। तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, तो इसलिए क्या है यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव आएगा। दूसरे फिगर में तो ये सी वाले पार्ट में तो उसमें जो है नेगेटिव होगा, साइन जो है नेगेटिव होगा। अब दूसरे वाले फिगर में देखिए क्या है, डी वाला जो पार्ट कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज कह रहा है डी में, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से ए की तरफ चल रहे हैं,
बी से ए की तरफ चल रहे हैं और माइनस चार्ज को लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी इस पर फोर्स इस तरह लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट कौन हुआ, हम हुए ना। तो एक्सटर्नल एजेंट जब हम हुए तो हम हमारे लिए ये कैसा वर्क डन होगा, तो हम तो इधर ही को ले जा रहे हैं, यानी कि उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर रहे हैं, यानी फोर्स और उनके बीच में जो वर्क होगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी है। तो जब इसको आप ब्रेक करेंगे एफ डी तो कॉस जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में लंबा, चूँकि एक्सटर्नल एजेंसी कह रहा है ना, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन नहीं, बल्कि हम जो ले जा रहे हैं उसकी वजह से वर्क डन। तो हम तो उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, हमने तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल कितना बनेगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, प्लस। तो ये पूरा जो है आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इसका जो साइन हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट में हम लोग लास्ट का क्वेश्चन है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। देखिए स्मॉल नेगेटिव चार्ज और कहाँ से चलना है उसको, बी से ए की तरफ चलना है, बी से ए की तरफ चलना है। स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी जब ये बी से ए की तरफ चलेगा। देखिए ध्यान से, बी से ए की तरफ चलना है हमको नेगेटिव चार्ज लेकर के। तो पहले ही देख लीजिए कि जब नेगेटिव चार्ज आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा, नेगेटिव चार्ज रखा, तो नेगेटिव ये और नेगेटिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इस तरफ इसको फेंकेगा ये। आप इसको जब ऐसे धक्का देंगे तो ये इसको फेंकने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब, जब हम इसको ऐसे ले जाने के लिए फेंकेंगे इसको या उधर ले जाएंगे, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो काम कर रहा है, ये हमारी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। अगर ये प्लस होता तो हमारी जो वेलोसिटी को बढ़ा देता, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काम करता तो क्या करता, हमारी वेलोसिटी को बढ़ा देता। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव को हम ले जा रहे हैं उस तरफ, तो क्या करेगा, ये इसकी ये वाला चार्ज इसको इसकी स्पीड को कम कर देगा। तो जब स्पीड को कम कर दे, यानी वेलोसिटी जब कम कर देगा, तो वेलोसिटी हम यहाँ लिख देंगे वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से ए पे चलने पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और वेलोसिटी से संबंध किसका है, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही, सॉरी वेलोसिटी जब डिक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो बी से ए में आने पर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।